सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज मैं फिर से एक बार खेल रहे माइनक्राफ्ट। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, तो यार मेरी इन्वेंट्री के अंदर आप लोग ये पूरा भरा हुआ देख रहे होगे। पर गाइस मैं एक ना आयरन फार्म बनाने का सोच रहा हूँ, मतलब बना ही रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने यह सब रख दिया था। तो मैं इसे ना एक अलग सी चेस्ट में यहाँ पर एक चेस्ट रख के उसके अंदर सब कुछ खाली कर देता हूँ, क्योंकि एक आयरन फार्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा कम है गाइस। इसके लिए मैंने हॉपर बना लिए थे थोड़े बहुत। और तो सबसे मैं दिखा देता हूँ मुझे गाइस माइनिंग करते वक्त क्या मिला, डायमंड्स। तो यहाँ से मैंने नीचे माइन शुरू की हुई है अपनी, तो मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही मैं बहुत ज़्यादा ही नीचे जाते गया, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खोदते गया मैं यहाँ से, तो मुझे डायमंड्स तो मिल ही नहीं रहे थे। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा गया, मुझे केव्स मिल रही थी बहुत सारी। तो जाते जाते फाइनली यहाँ पे मुझे दिख गए गाइस डायमंड्स। मतलब मैं खोद रहा था और खोदते खोदते फाइनली एक बार मुझे यहाँ पे दिख चुके गए मेरे डायमंड, जो कि है यहाँ पे लगभग 6 ब्लॉक्स थे डायमंड्स। तो इन्हें मैं तोड़ लेता हूँ, क्योंकि अब हम लोग ना डायमंड से पिकेक्स वगैरह सारी की सारी टूल जो है बना सकते हैं। तो चलो मैं इन्हें तोड़ लेता हूँ जल्दी से जल्दी यहाँ पे। तो ये भी आ गया मेरे पास और ये मैंने कलेक्ट हो गए। तो और लेकिन मैंने डायमंड्स के लिए आगे भी बहुत सारी माइनिंग करी थी उस साइड को, तो आगे मुझे मिले नहीं, इसके लिए मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ। सीधा ही चलते गए ऊपर फिर से एक बार। तो ये वाली जो मेरी जगह है ना, ये मैंने बस ऐसे ही बना के रखी है, और यहाँ से मैं आ गया ऊपर। और अब चलते हम लोग आगे काम के। फिलहाल के डायमंड्स रख देते, पहले एक था भूगे 7 डायमंड्स। यहाँ पर मैं ना पहले बहुत सारी लकड़ियाँ तोड़ लेता हुआ इससे, क्योंकि यार मैं ना एम्ब्रॉयड सी ट्रेडिंग करूँगा, नहीं मतलब वुड से प्लैंक्स बना के, प्लैंक्स से स्टिक्स बना के उनकी ट्रेडिंग कर दूंगा, मतलब भेज दूंगा उन्हें विलेजर्स के पास से, विलेजर को भेज दूंगा, इससे मुझे बहुत सारे एम्ब्रॉयड्स मिल जाएंगे। तो ओके, तो मतलब बहुत सारे एम्ब्रॉयड्स मिल जाएंगे। फिर आगे हम लोग और भी खरीद सकते हैं, मैंने डायमंड लेवल तक मुझे मतलब डायमंड का आर्मर चाहिए, आर्मर से मैंने आर्मर अभी तक बनाया नहीं, तो आर्मर भी हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे मैं आ रहा था थोड़ी बहुत एक्सपी वगैरह कलेक्ट करने के लिए, और मुझे दिखा ये रेयर चीज़, एक स्पाइडर के ऊपर स्केलेटन बैठा हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ होती है, लेकिन मैंने इसे मार दिया। भाई क्या करूँगा मैं ऐसा, तो कोई नहीं, मैंने तो इसको मार दिया भाई, स्केलेटन को भी और स्पाइडर को भी। चलो भाई तब आगे चलते, मेरी हेल्थ वेल्थ भी कम कर दी भाई बाय द वे इसने। और यहाँ मेरे पास कॉबल स्टोन्स भी है थोड़े बहुत, और यहाँ पे ना एक क्रीपर पड़ गया था, क्योंकि तो यहाँ पे ना मतलब मुझे जॉम्बी भी कैप्चर करना है अंदर एक मेरे एक्सपी फार्म के लिए, नहीं एक्सपी फार्म नहीं सॉरी क्या कहते हैं इसे, हाँ आयरन फार्म के लिए मुझे यहाँ पे जॉम्बी भी चाहिए। तो इसलिए मैं छोटा सा ये स्क्वायर टाइप बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं जॉम्बी को फंसाने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी से बना लेता हूँ मैं इसे भी बढ़िया तरीके से। जॉम्बी तो कहीं जिसके अंदर गया नहीं, एक पागल क्रीपर जाके घुस गया इसके अंदर। तो यार इसको मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि ये ना इतनी जल्दी मरते भी नहीं है, ये फट बढ़ गया होगा फिर से। तो मैं फिर से एक बार ट्रीज जो है लगा लेता हूँ, दूर दूर लगाता हूँ, मैंने पहले बहुत ज़्यादा पास लगा लिए थे, बाद में मुझे फिर मैं इन्हीं ट्रीज को फिर से काट लूँगा। तो ये है मेरा फ्लचर, इससे मैं बहुत सारी स्टिक्स से कलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और ये मुझे खतरनाक वाली बो भी बेचा, जिसके ऊपर पंच और अनब्रेकिंग और पावर है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं दोनों को ले लूँगा। दोनों मुझे एक ही बेच रहे हैं, एक ही ये बेच रहे हैं। तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि एक गाइस यहाँ से ले ही लेते हैं, ये पावर 2 अनब्रेकिंग टू आई थिंक ये 3 है। तो ओके, ये सब ये वाला भी वही बेच रहा है जी ना, मुझे बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अनब्रेकिंग टू पावर 2 पंच 1 बेच रहे हैं। तो मैं इसे भी ले ही लेता हूँ, एक वो ले लेता हूँ यहाँ से, दूसरे वाले से भी एक ले लूँगा। तो इसे और इसे तो मैं 12 लेवल में कर लूँगा, और उसके बाद ये इससे ना एक और ख़रीद लेता हूँ, मतलब मैं करूँगा नहीं अब, इन दोनों को कंबाइन करूँगा सबसे पहले, क्योंकि अनब्रेकिंग की पावर थी और पंच 2 बन जाएगा, और जो मैं यूज़ करता हूँ उसके अंदर है इन्फिनिटी, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया। इसलिए तो सबसे पहले मुझे लेवल चाहिए होंगी, तो मेरी 16 लेवल तो हो चुकी है यहाँ पे, 17 भी हो जाएगी, जिसको थोड़ा बहुत मुझे मारना पड़ेगा ज़ॉम्बी वगैरह को, फिर मेरी 17 लेवल भी हो जाएगी। नहीं इसको मैं मारूंगा नहीं, इसको मुझे पकड़ना है, तो ये ना आ ही नहीं रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, ये घूम ही रहा था बस यहाँ पर, इसको मार मार के फाइनली ये भी वगैरह चुका है अंदर। यहाँ पे ऊपर मैं थोड़ा बहुत ना ये ऐसा बना लेता हूँ छप्पर टाइप, क्योंकि ये जले नहीं, तो ये तो क्या अब जलेगा नहीं।
सही है, उसके बाद मैं नेम टैग भी दे दूंगा। तो उसको नेम टैग की वजह फिलहाल के लिए ये चेस्ट प्लेट जो है वो पहना देते हैं। और यहाँ पे गए, मैंने गलती कर दी, यहाँ पे आए मैंने एक ना एंडरमैन के ना आँख में देख लिया, और क्योंकि मुझे ऐसे एंडरपल चाहिए थी तो इसलिए, क्योंकि हाँ भाई मैंने इसे मारने लग गया, ये भी मुझे मारने लग गया। फाइनली जो हुआ वो हो गया, सीधा ही मैं बहुत ज़्यादा बच बच के इसे मार रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, मैं फाइनली मर गया, आधे हार्ट पे था मैं, इसने मुझे आके धप्पा कर दिया और मैं मर गया यहाँ पे। कहाँ मर गया मैं, ओके यही पे मरा था मैं, तो यहाँ पे मर गया हाफ हार्ट पे। तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से ये वाला जॉम्बी को मैं यहाँ पे कॉबलस्टोन वगैरह भी दे रहा था क्योंकि हाथ में पकड़े, लेकिन ये कुछ पकड़ ही नहीं रहा था हाथ में, तो यहाँ मुझे लगा जाने दो, इसको नेम टैग ही दे देता हूँ मैं। तो मेरे पास ये नेम टैग था जिसका नाम मैंने चारा रखा हुआ है, तो मैं इसको जल्दी से नेम दे देता हूँ और फिर मैं सीधा ही चलूँगा आगे का काम करने के लिए। तो ओके, तो इसका नाम यहाँ पे इसको खोद के मैं रख देता हूँ, ये इसके नीचे है आई थिंक। हाँ ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैं आया वो इसके अंदर था जो था मेरा, लेकिन तभी यहाँ पे बहुत सारे जॉम्बी आ गए और इन सारे जॉम्बियों ने मिलके मुझे मार दिया और मेरी सारी एक्सपी गई फिर से एक बार। तो कोई बात नहीं, मैंने फिर से यहाँ पे आ रहा था, लेकिन मुझे फिर से मेरी, मैं ना बात बात में मर रहा था यहाँ पे, तो यार मैं कुछ कर तो पा नहीं रहा था, तो मैं बस ऐसे ही फिर से जाके उनको कैसे तो करके मार गया मैंने। और उसके बाद ना यहाँ पे है वो मेरा जॉम्बी जो है ना, वो यहाँ पे है, यहाँ पे आई थिंक सब कुछ ये है, यहाँ पे है मेरा जॉम्बी, यहाँ पे नीचे आपको दिख ही रहा होगा आई थिंक। मैं इसको पहले नेम टैग देता हूँ, फिर आपको ऐसे दिख जाएगा मेरा जॉम्बी, इसको नेम टैग दे देता हूँ। ओके, तो ये बन गया चारा मेरा, और मैं इसे फिलहाल के लिए ऐसा ही रखने वाला हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ ऊपर, इसको ऐसे ही रख देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे भाई बहुत सारी एन्चेंटिंग भी करनी है। मैं ना इसके लिए ये जो है ये शीप नहीं सॉरी गाय को मार देता हूँ, इससे मुझे लेदर मिल जाएगा बहुत सारा। और फाइनली मेरी 17 लेवल भी गई हो चुकी है, तो मैं इसे भी ये सब कर लेता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे मैंने मुर्गियों को भी खाना वगैरह दे दिया, और ये वाली बो मेरी बन गई पूरी पावरफुल इन्फिनिटी के साथ में, क्योंकि तो मुझे और 10 लेवल चाहिए थे, मुर्गियों को खाना माना दे के दे दिया। और यहाँ पर इसके अंदर आ चुका है ब्रेकिंग 3, पंच 2, पावर 3 आई थिंक और पंच 2। और फिर मैंने एक बना ली गई डायमंड की पिकैक्स, और सीधा हम लोग बनाते हैं एक एनचांटिंग टेबल। तो ये बन गया दो डायमंड से हमारा एक एनचांटिंग टेबल। और अब इसको प्लेस मैं ना इस वाले रूम में रखता हूँ, यहाँ पे इस छोटे वाले रूम में मैंने इसीलिए बनाया हुआ है, यहाँ पे बीच में तो नहीं, बीच इसका कोई सेंटर ही नहीं है इस रूम का। कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे, तो ये रख देते यहाँ पे। तो क्या ये तो यहाँ पे हो चुके हैं, ऐसे पेपर बना लेता हूँ, और पेपर से बुक बन गई है, तो ऐसे लेदर ये बुक शेल्फ बना लेते हैं, और जो बुक शेल्फ बनी है उससे मैं यहाँ पे रख देता हूँ जल्दी में। तो बढ़िया सा डिज़ाइन बनाता हूँ इन बुक शेल्फ, तो मैंने ऐसा डिज़ाइन बना लिया क्योंकि मेरे पास इतनी बुक शेल्फ थी। तो आगे देखते हैं मतलब इसके ऊपर क्या मिल रहा है मुझे, मुझे इसके ऊपर मिल रहा है अनब्रेकिंग 3, लेकिन मेरे 30 लेवल नहीं है, तो कोई बात नहीं यार, देखेंगे मेरे 30 लेवल जब आएंगे तो होंगे। मैं सोले एक डायमंड की स्वॉर्ड भी बना लेता हूँ मेरे लिए, और इसके ऊपर लूटिंग डालनी चाहिए थी, मैंने फालतू में इसके ऊपर डाल दिया आयरन स्वॉर्ड की, तो कोई नहीं। मैं एक और यहाँ से ना एफिशिएंसी 4 की बुक ले लेता हूँ, और उसके साथ साथ और एक दो बुक ये लूटिंग की भी एक ले ही लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं डायमंड की स्वॉर्ड के ऊपर डालूँगा, लूटिंग से गाइस वो ना ज़्यादा ड्रॉप करते हैं, तो इसीलिए। और ये मेंडिंग भी बेचा 22 है, ये भी बेचा है ना, ओके तो एक मेंडिंग मैं इससे खरीद ही लेता हूँ, 22 से खरीद ली। और गाइस यहाँ पे ना ये देखो, ये कितने सारे जॉम्बी मेरे साथ आ गए, और मैंने ना इससे थोड़ा सा टावर बना के इनको डायमंड की स्वॉर्ड से मारा बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से। ये डायमंड की स्वॉर्ड का शार्पनेस भी काफ़ी बढ़िया है, तो सीधा ही हम लोग अब चलते हैं यहाँ पे। तो पैदल वैदल भी है इसे रख देते हैं इधर, और यहाँ से मैं लैपटॉप बना लेता हूँ जब मैं करने वाला हूँ एनचांटिंग। तो लेट्स
तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे एन्चेंटिंग करते सबसे पहले। तो ये यहाँ पे एन्चेंटिंग हो गया है, एन्चेंटर बन चुका हूँ गाइस मैं। यहाँ पे एन्चेंटर जो है मुझे एडवांसमेंट मिल चुकी है और यहाँ पे अनब्रेकिंग भी आ चुका है। और फिर ये देखो, ये मुझे डायमंड का वो बेच रहा है 2 एमरल्ड्स में, और ये पिकेक बेच रहा है 14 एमरल्ड्स में। तो भैया ये तो मेरे से स्कैम कर रहा है, तो जान दो इसको, मैं बहुत सारे ये खरीद लूँगा हो वगैरह। और यहाँ पे मैं थोड़े बहुत और बुक्स भी जो है वो यहाँ पे लगा लेता हूँ गाइस। मतलब मुझे लगभग 30 लेवल की एन्चेंटमेंट बताएगा, ये गलत लग गया यार, तो मैंने इसे बना लिया। तो गाइस मैं फिर से एक बार यहाँ पे थोड़े बहुत मॉब्स को मारता हूँ। और ना यहाँ पे मुझे एक और नया वेरिएंट दिख गया। देखो एक वीडियो में दो दो वेरिएंट आपको देखने को मिल गए, ऐसे यार वीडियो को लाइक करना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो ये बंदा ना ऐसे चिकन के ऊपर बैठ के आया था, छोटा विलेजर नहीं, छोटा विलेजर नहीं, छोटा जॉम्बी सॉरी। तो मैंने तो इसे मार लिया भाई। तो यहाँ ये भगते ही रहता है ऐसे, ये जल्दी मरता नहीं है ना, इसका एम अच्छे से बैठता ही नहीं है इसके ऊपर। और यहाँ पे गाइस मेरे साथ हो गया एक और हादसा, जो कि था क्रीपर ने मेरे पीछे ही फट गया। यहाँ पे मैं यहाँ से दूर दूर से मार रहा था, लेवल्स चाहिए थे मुझे क्रीपर को, पीछे मेरे क्रीपर आ गया और सीधा ही मैं मर गया यहाँ से। तो कोई बात नहीं यार, तो वो तो होता रहता है। तो मैंने इस फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत करके 22 XP ला ली है। तो यहाँ से हम लोग ये ख़रीद लेते हैं बहुत सारी डायमंड के, वो ख़रीद लेता होगा क्योंकि मुझे ना बहुत सारी चाहिए। अब मैं मतलब अपग्रेड भी हो जाएगा ये विलेजर्स, तो इसलिए मैं इसे ख़रीद रहा हूँ। तो ये अब मेरे पास एमरल्ड्स तो कम हो चुके हैं गाइस, सिर्फ 5 एमरल्ड्स है। ये सब कुछ मैं बढ़िया तरीके से सेटल कर लेता हूँ। और फिर से एक बार मैं ना इस नई वाली एक्स मुझे मिल चुकी है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करी है आर्मरर से, नहीं सॉरी वेपन स्मिथ से। तो मुझे उसने एक्स भी दी थी डायमंड की, तो ये डायमंड की एक्स मैंने खरीद ली। तो इससे मैं ये भी लगा लेता हूँ, इसके बाद अनब्रेकिंग का, ये नहीं सॉरी एफिशिएंसी का लगा लेता हूँ उसके ऊपर। ये टूट चुका है गाइस, ये इसको जाने दो भाई। तो अब मैं इधर फिर से एक बार माइनिंग कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, इस पिकैक्स की ना स्पीड देख लेता हूँ। तो यार स्पीड तो गाइस बहुत ही बढ़िया खतरनाक स्पीड है गाइस इसकी, मुझे तो गाइस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसकी स्पीड बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे और गाइस मुझे यहाँ पे ये दिख गया था छोटी सी क्या कहते हैं इसे, हाँ माइन टाइप केव दिख गई थी यहाँ पे। तो मैं जैसे आया यहाँ पे मुझे मिल गया और एक स्पॉनर। तो क्या भाई मैं गया अंदर और टॉर्चेस वगैरह लगाई, और फिर से एक बार मुझे मैं ना दो दो एक्सपी फार्म बना सकता हूँ यानी कि अब। तो मैंने क्या इनको सीधे मार दिया, हम लोग ना एक्सपी फार्म बनाएंगे कभी, मतलब आगे जाके मैं बना दूंगा, तो उसका तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पे मैं इनकी लूट देख रहा था, तो लूट तो कुछ नहीं यार, एक बकेट आयरन और ये सब बढ़िया बढ़िया चीज़ ले ली मैंने, ब्रेड और ये डिस्क मिली मुझे काफ़ी सब। तो क्या, और ये गोल्डन एप्पल भी मिल गया मुझे यहाँ से, और यहाँ पे कोल भी ले लेता हूँ बहुत सारा। मैं माइनिंग भी कर रहा था ना, आगे आगे मैं और भी माइनिंग कर ली। ये बकेट को तो रख ही देते हैं हम लोग यहीं कर ली। और मेरे पास डायमंड के होगज बहुत सारे हो चुके हैं, मैंने इसे बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया। और यहाँ पे एक आर्मरर के लिए भी रख देते हैं, अब कोई आर्मरर भी बन जाएगा इनमें से कोई, तो यार जल्दी जल्दी आर्मरर बन जाओ। तो देखते हैं, तो ये फाइनली आर्मर बन चुका है, ये बन चुका आर्मर। और ये भी बेचा, तो मैं ना दो आर्मर रख लेता हूँ, एक ये वाला और एक जो पैंट और चेस्ट प्लेट आई थिंक बेच रहा है वो। तो कोई नहीं, ये तो मुझे बन जाएंगे, और मैं इन्हें भी अपग्रेड कर लेता हूँ। इनको खाना भी दे देता हूँ थोड़े बहुत कैरेट्स, क्योंकि अपनी अपनी साइज बढ़ा देगा। ओके तो ये है गाइस मेरे आयरन फार्म का। तो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता था, यहाँ पे मुझे जॉम्बी ट्रैप करना था, लेकिन जॉम्बी तो मेरे से ट्रैप हो ही नहीं रहा था। तो फाइनली मैंने से ना बहुत ज़्यादा मेहनत करके ट्रैप कर रहा था उसे। और यहाँ पे मैंने ना ये फिशिंग की एडवांसमेंट भी ले ली साथ में, मैंने ना जॉम्बी के लिए खींचने के लिए लिया था ये, और मैं ना फिशिंग की एडवांसमेंट भी ली मच्छी पकड़ने की, उसे तो फेंक देता हूँ मैं। और चलते सीधा, तो यहाँ पे गाइस देखो गलती से दो दो अब पड़ गिर गए इस छोटे से छेद के अंदर। तो यहाँ पे मैं ना कैसे तो करके इन दोनों को पैक कर रहा था, तो एक को पैक कर दिया, दूसरे को मैंने यहीं पे मार दिया।
फाइनली इसके अंदर जो था ये आ चुका है अब, और ये क्राफ्टिंग टेबल और ये सब कुछ मैं अब तोड़ लेता हूँ। मैं आपको सीधा ही बनाने के बाद दिखाऊंगा, फिर आपको बढ़िया दिखेगा। ये है आ गई इसके अंदर ना, ये जो है ना मैंने एक्सपी फॉर्म बनाया है, ये ना मतलब बढ़िया तरीके से काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मतलब क्या पता क्या गड़बड़ हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी इसको पूरा बनाने की सोचा, तो इसीलिए। तो अब देखोगे इस चीज़ पर, मैं ये बता देता हूँ, मेरे स्वॉर्ड के अंदर शार्पनेस 3, 2, यहाँ पे ये अनब्रेकिंग, और ये आप सब लोग देख लो इसके अंदर ये सब है। मैंने गाइस इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि इसकी जो मेरी रिकॉर्डिंग थी वो गाइस डिलीट हो गई थी मेरे से, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब तो जाने दो भाई, वो क्या दिखा है, रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई, तो मैंने थोड़ा बहुत ये कर दिया। तो मैं अब गाइज आपको मेरा ना आयरन फार्म पूरा परफेक्टली समझाता हूँ। तो इस ट्रैप डोर के अंदर से जैसे ही मैं उधर जाता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं AFK खड़ा रह सकता हूँ। यहाँ से इसके अंदर आयरन होते हैं, लेकिन ये आया ही नहीं आयरन यार, इसके अंदर आयरन वाला स्पॉन ही नहीं हो रहा, क्या पता क्या गड़बड़ हो रही है इसके अंदर। मैं एक बार इसको आपको इसके अंदर जाके भी दिखा देता हूँ यहाँ से। तो गाइस ये वो वाला एरिया है जहाँ से मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये लावा है, इसके अंदर आयरन वाला मरता है यहाँ से। यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले AFK खड़ा था, और इस 3x3 के पैसेज के अंदर ये आयरन वाला स्पॉन होता है, लेकिन ये हो ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ भाई, ये नहीं हो रहा था। और ये यहाँ पे नीचे ये अपना जॉम्बी भी है, जिसने हाथ किया हाथ मैंने ये पहन लिया है, चारा वाला जॉम्बी था ना वो मर गया। और ये डर तो रहे हैं, लेकिन गाइस स्पॉन ही नहीं कर रहे यार आयरन गोलम को, पता नहीं क्यों स्पॉन नहीं कर रहे। मैंने भाई बहुत देर तक AFK भी रहा मैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने क्या स्पॉन तो कर किया ही नहीं कुछ। तो अब बाकी मैं ये कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, देखो लाइट वाइट का भी कोई झंझट तो ऐसा है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम लोग चलते सीधा ऊपर। अब ऊपर ये देखो, ये गलती से टूट गया, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पिकैक्स बन चुकी है। पिकैक्स के अंदर भी सब कुछ खतरनाक खतरनाक डाल दिया मैंने, सब कुछ खतरनाक है मैंने ना, ये मैंने सब कुछ किया, लेकिन वो मैं वीडियो के अंदर दिखाई नहीं पाया, मतलब वो डिलीट हो गया अभी वीडियो मेरे से। तो इसीलिए ये देखो यहाँ से मैंने थोड़ी देर पर कॉबल स्टोन जो तोड़ा था ना, वो उसके चेस्ट के अंदर आ चुका होगा। ये देखो ये यहाँ पे आ चुका है, और अब हम लोग सीधा चलते हैं ऊपर। तो मैं देखता हूँ उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, क्या या फिर कोई नया वाला बढ़िया वाला एक्सपी फार्म बनाएंगे, एक्सपी फार्म नहीं सके आयरन फार्म, एक बढ़िया वाला बनाएंगे बड़ा वाला। तो यार कोई नहीं, इस तो यार आज वीडियो बस इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं ना अगली वीडियो में पूरा डायमंड आर्मर में कवर हो जाऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग करके ये कर लूँगा क्या, एमरल्ड्स बहुत सारे कमा लूँगा पेड़ वेड़ बेच के, और मैं एक ना बढ़िया वाला ये भी फार्म बना लूँगा, वाटरमेलन और पम्पकिन फार्म बढ़िया वाला, क्योंकि मतलब मुझे वो भी बेच के एमरल्ड्स मिल जाएंगे। तो यार इस वीडियो बस इतना ही, वीडियो को लाइक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स गो, बाय बाय।